नमस्कार, मैं रीना सहोता जीबीसी अपडेट में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए रुक करते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। भाजपा की ओर से आज बिलासपुर में पार्टी स्थापना दिवस कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर बतौर मुख्यमंत्री। कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठे दावों वादों का पुलिंदा। देश भर में लोकतंत्र नहीं सनातन विरोधी खत्म हो रहे हैं, अनुराग ठाकुर। विक्रमादित्य सिंह बोले जल्द टिकटों का होगा आवंटन, मजबूती से लड़कर हर सीट पर होंगे विजयी। मुख्यमंत्री सुक्खू अपनी जुबान पर लगाम लगाए चैतन्य शर्मा। हिमाचल की सियासी जमीन पर पिछले चार चुनावों में भाजपा की वोट प्रतिशतता में लंबी छलांग। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे दिल्ली के आप नेता मनीष सिसोदिया। 11 अप्रैल को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय होंगे हिमाचल कांग्रेस के प्रत्याशी। 15 अप्रैल के बाद ऑनलाइन मिल सकते हैं टिकट, स्टेडियम में होंगे दो मुकाबले। 15 अप्रैल को फाइनल होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शिमला दौरा। पर्यटन सीजन को लेकर हो रही है कांगड़ा एयरपोर्ट में तैयारी। अब खबरें विस्तार से। भाजपा की ओर से शनिवार को बिलासपुर कार्यालय में पार्टी स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर टिप्स दिए और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल एक परिवार की समिति है। 2014 से पहले इस पार्टी ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। सुरक्षा क्षेत्र में हुए घोटाले आज सभी के सामने उजागर हुए हैं। वहीं 2014 के बाद केंद्र की भाजपा सरकार ने देश की सुरक्षा को मजबूत करने का कार्य किया है। आज भारत स्वयं देश में सुरक्षा उपकरण तैयार कर रहा है। भाजपा देश के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। इस मौके पर भाजपा के विभिन्न मोर्चा के अध्यक्षों ने अनुराग ठाकुर को सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष बिमला देवी, जिला भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान, सदर विधायक त्रिलोक जम्बाल, पूर्व सांसद सुरेश चंदेल, सबदेश ठाकुर, कमल गौतम और नरेंद्र पंडित सहित अन्य लोग मौजूद रहे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठे दावों व वादों का पुलिंदा मात्र है और देश में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी चलती है। लोकतंत्र को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए बयान की तीखी आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज कांग्रेस कहती है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, पर असल में लोकतंत्र नहीं सनातन विरोधी खत्म हो रहे हैं। आज लोकतंत्र नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और कट मनी खत्म हो रहा है। लोकतंत्र तो भाजपा के राज में मौजूद हुआ, जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव हुए। आज दिल्ली में कांग्रेस की टिकटों को लेकर बैठक हुई। इस पर हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह बोले जल्द टिकटों का होगा आवंटन, मजबूती से लड़कर हर सीट पर होंगे विजयी। मुख्यमंत्री सुक्खू अपनी जुबान पर लगाए लगाम जो और जो कांग्रेस सरकार द्वारा विधान चुनावों में किए गए वादे, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, हर साल 1 लाख रोजगार, 2 रुपए किलो गोबर खरीद, उनके बारे में बताएं चैतन्य शर्मा ने कहा। हिमाचल की सियासी जमीन पर पिछले 4 लोकसभा चुनावों में भाजपा ने लगभग 25% वोटों का इजाफा कर लंबी छलांग लगाई। 20 सालों की अवधि में पार्टी ने अपनी सांगठनिक ताकत को तेजी से बढ़ाया और चुनावी रणनीति को धार देकर वोट प्रतिशत 69% तक पहुंचाने में कामयाब रही। इसका सीधा असर कांग्रेस पर पड़ा। भाजपा कांग्रेस के वोटों पर लगभग 19% की सेंध लगाने में कामयाब रही। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्री के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 18 अप्रैल को होगी। बता दें कि इसके साथ ही उनकी जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई हुई। दिल्ली की कोर्ट में ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की दूसरी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। ईडी ने कहा कि सिसोदिया के वकील का मुख्य तर्क केस में देरी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जमानत पर आधार है। केवल इस आधार पर जमानत याचिका की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है। कोर्ट को पहले जमानत अर्जी खारिज होने के आदेश से प्रभावित हुए बिना इस जमानत अर्जी की मेरिटस पर सुनवाई करना चाहिए। 11 अप्रैल को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिमाचल में लोकसभा और विधानसभा
उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी तय होंगे। प्रत्याशियों को लेकर सहमति बनाने के लिए हिमाचल कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली पहुंचे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने बताया कि सर्वे पूरा कर लिया गया है। चुनाव जीतने की क्षमता रखने वाले नेता को पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया जाएगा। वहीं दिल्ली शनिवार सुबह कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव के दौरान सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल बनाते हुए चुनावी रणनीति बनाएगी। दोपहर को प्रत्याशियों के नाम पर सहमति बनाने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हुई। स्क्रीनिंग कमेटी मंथन कर केंद्रीय चुनाव समिति को पैनल भेजेगी। बैठकों में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर व कौल सिंह और स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल दिल्ली में मौजूद है। पिछले साल आईपीएल में सबसे सस्ता टिकट 750 रुपए का था। इस पर 9.44% बुकिंग फीस भी ली गई थी। इस बार भी मैच की टिकटों को दर्शकों को बुकिंग फीस देनी होगी। वहीं बुक की गई टिकटों की हार्ड कॉपी लेने के लिए स्टेडियम के बाहर मैच 3 से 4 दिन पहले टिकट काउंटर पर भी स्थापित किए जाएंगे। एचपीसीए के सचिव अवनीश परमार ने कहा कि आईपीएल के मैचों में टिकटों के दाम फ्रेंचाइजी तय करती है। अभी तक धर्मशाला मैच के टिकटों के दाम तय नहीं किए गए हैं। उम्मीद है कि 15 अप्रैल के बाद धर्मशाला में होने वाले मैचों के ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी। स्टेडियम में मैचों की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजधानी शिमला आने का कार्यक्रम 15 अप्रैल को फाइनल होगा। 30 अप्रैल से 5 मई तक राष्ट्रपति के शिमला आने की संभावना है। 1 मई को बागवानी विश्वविद्यालय नौणी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति के जाने की चर्चा है। हालांकि 15 अप्रैल को होने वाली बैठक में ही दौरे को अंतिम रूप दिया जाएगा। राष्ट्रपति के 6 दिवसीय शिमला दौरे की तैयारी में प्रशासन जुट गया है। शुक्रवार को शिमला से सटे शराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास रिट्रीट में इस बाबत उच्च स्तरीय बैठक हुई। सेना के एक दल ने जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट, कल्याणकारी हेलीपैड, राजभवन और रिट्रीट का दौरा भी किया। इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हिमाचल की ताजा तारीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।